फंगल संक्रमण जो होता है दोस्तों, ये आम संक्रमण होता है जो स्किन में होता है। इसमें संक्रमण हमें तब होता है जब फंगस हमारे बॉडी के किसी क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम इनसे लड़ने में सक्षम नहीं होता है। ये मोस्टली हमारे प्राइवेट पार्ट्स में या उन जगहों पर ज़्यादा होते हैं जहाँ हमारी दो स्किन एक साथ टच हुई रहती है। आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप सबके रिक्वेस्ट पर, और ये जो आज मैं रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इस वीडियो में मैं आपके लिए तीन रेमेडीज लेकर आई हूँ। तीनों ही बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेमेडीज हैं जी। इन तीनों में से कोई सी भी रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है नीम से जुड़ी हुई। दोस्तों, नीम के पत्तों का उपयोग स्किन के हर तरह के विकार को दूर करने के लिए किया जाता है। इससे आप आइस का कोई प्रॉब्लम हो उसको क्योर कर सकते हैं, नक्सीर होता है, आंतों के कीड़े होते हैं, पेट की खराबी, भूख ना आपको नहीं लगती है, या फिर स्किन कैंसर होता है इस तरह से, या फिर डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है, टीथ गम्स की प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से क्योर कर सकते हैं। नीम की पत्ती के बहुत सारे फायदे होते हैं। आयुर्वेद में इसके दोस्तों बहुत सारे फायदे गिनाए गए हैं। यहाँ पर हमें नीम की हरी हरी पत्तियाँ लेनी है। पत्तियों को लेना है लगभग एक मुट्ठी। तोड़ने के बाद पत्तियां हमारी ये पूरी एक मुट्ठी हो, इतनी हमें यहाँ पर नीम की पत्तियों का यूज करना है। इसका हम बनाने वाले हैं एक अलग टाइप का पेस्ट, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे एक ऐसी सामग्री जिससे हमारी ये रेमेडी तैयार होगी। तो नीम की पत्तियों के साथ जो चीज मैं ले रही हूँ दोस्तों वो है दही। जी हाँ, दही यहाँ पर हम फ्रेश यूज करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भर के फ्रेश दही ले ली है। दही जो होती है वो भी हमारी बॉडी में एंटी फंगल का काम करती है। ये हमारे दही में खुद ही बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो हमारी स्किन पर दूसरे तरीके से वर्क करते हैं, यानी कि स्किन को फायदा पहुंचाते हैं। यहाँ पर हम नीम और दही इन दोनों चीजों को मिलाकर ये दवाई तैयार करने वाले हैं। दोनों चीजों को मिलाकर हम डालेंगे मिक्सी के जार में, और इससे पहले आप नीम की पत्तियों को एक बार अगर मिट्टी वगैरह लगी हो तो पहले वॉश कर लीजिए। साथ ही इस पेस्ट को पीसने से पहले आपको ध्यान रखना है कि मिक्सी के जार में कोई मिर्च मसाले वगैरह पीसे हुए नहीं हो, क्योंकि दोस्तों जो ये फंगल इन्फेक्शन है इनमें अगर हम कोई दवाई लगाते हैं तो पहले ये जलन ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोनों चीज़ों को हम डाल लेंगे मिक्सी के जार में और उसके बाद से इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। दही और नीम के साथ ही ये पूरा पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसको हमने पीस लिया है। ये पीसने के बाद कुछ इस तरीके का होता है। इसको किसी एयरटाइट डिब्बे में भरकर आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। एक बार में आप 2 से 3 दिन के लिए ही पेस्ट तैयार करें। जब पेस्ट खत्म हो जाए तो वापस से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये पेस्ट आप बॉडी के किसी भी पार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो रखा हो। मोस्टली बारिश के दिनों में ये फंगल इन्फेक्शन हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसके लिए आपको हाथों का यूज़ नहीं करना है, कॉटन लेना है, और कॉटन से आपको उस पार्ट पर इसकी एक पूरी लेयर से लगा देनी है इस दवा की, जहाँ पर भी आपको ये इन्फेक्शन हो रखा हो। ये दवाई आप स्किन की किसी भी प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, चाहे दांत खाज खुजली हो, सोराइसिस हो, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो। आप अपने प्राइवेट पार्ट में भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस पेस्ट का बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस तरह से पेस्ट को लगाने के बाद हमको इसको छोड़ देना है 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे के लिए इसको खुला छोड़ दीजिए, और उसके बाद से हम इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। 1 घंटे में सूख जाए तो आप 1 घंटे बाद ही वॉश कर सकते हैं। 2 घंटे तक अगर आप इसको लगा कर रख सकते हैं तो 2 घंटे के बाद वॉश करिए। जितनी ज़्यादा देर आप इसको स्किन पर लगा कर रखेंगे उतने ही इफेक्टिव रिजल्ट इसके नज़र आएंगे। ये काम आपको पूरे दिन में 2 से 3 बार करना है। जितनी देर आप लगा सकते हैं उतनी देर आप अच्छे से इसको लगाइए, और उसके बाद से आप जब ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही आपको अपनी स्किन पर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, चाहे स्किन ड्राई ही क्यों ना हो रही हो, ये पेस्ट लगाने के बाद आपको इसके इफेक्टिवली रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा इसका आउटकम होता है। इस तरह से पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखिए और इसका इस्तेमाल करिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारी आज की नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। हमारी जो आज की नेक्स्ट रेमेडी है उसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं लहसुन का, यानी कि गार्लिक का। लहसुन हम सबके किचन में अवेलेबल रहने वाली एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हम हर दाल या सब्जी में यूज़ करते हैं। लहसुन के बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे गिनाए गए हैं, और इसके फायदे एक नहीं बल्कि अनेक होते हैं। यहाँ पर हम कुछ छिली हुई लहसुन की कलियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। लहसुन में जो है एंटीबायोटिक, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले गुण होते हैं, साथ ही एंटी फंगल, एंटीवायरस गुण भी होते हैं।
स्किन पे ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा दांतों में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो दांतों के दर्द को भी क्योर करता है, वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। कच्चे लहसुन का सेवन करते हैं तो हमें बीपी में बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आते हैं। कोलेस्ट्रॉल में भी आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। सर्दी खांसी की समस्या है तो आप लहसुन को खाइए, लहसुन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो छोटी छोटी कलियों की लहसुन ले लेंगे और इसको आप चाहें तो मिक्सी में डालकर पेस्ट बना लें, या फिर सिर्फ दो कलियां हैं चूंकि तो मैं यहाँ पर मोटर पेस्टर का यूज कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से कूट लेते हैं जैसे कि इसका एक बारीक सा पेस्ट तैयार हो जाए। इसमें यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। लहसुन की कलियों को अच्छे से कूटने के बाद इसको आप किसी कांच के बर्तन में या फिर किसी बोल में शिफ्ट कर लीजिए। ध्यान रखें कि यहाँ पर हम प्लास्टिक वगैरह के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। अब यहाँ पर लहसुन का पेस्ट हमारा जो तैयार हुआ है, इसमें हम डालेंगे नारियल का तेल। जी हाँ दोस्तों, कोकोनट ऑयल आपके भी घर में इजीली अवेलेबल होता है, हर घर में होता है। और आपको पता है कि कोकोनट ऑयल जो होता है हमारी स्किन को कितना बढ़िया नरिशमेंट देने का काम करता है। स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हर तरह की दवा में हम नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये नारियल का तेल हमें लेना है बहुत थोड़ा सा। अब चूंकि दो ही कलियां लहसुन हमने यहाँ पर तैयार करी है तो देख लेते हैं कि नारियल का तेल कितना लेना है। नारियल का तेल हम लेंगे दो कलियों में लगभग 2 से 3 बूंद, बहुत थोड़ा सा लेना है जिससे लहसुन हल्का सा एक सॉफ्टनेस लिए हुए हो जाए, बहुत ज्यादा इस पेस्ट को गीला नहीं करना है। तो यहाँ पर ये नारियल का तेल जो मैंने लिया है लगभग आप देख रहे हैं 3 से 4 बूंद ही लिया है। अब इस पेस्ट में नारियल के तेल को अच्छे से मिला लीजिए। अब ये जो पेस्ट है हमारा, इसी पेस्ट को हमें अपनी स्किन पर अप्लाई करना है जिस जगह आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो स्किन रिलेटेड फंगस हो दोस्तों, सोराइसिस हो, दांत खाज खुजली हो, इस तरह की कोई भी समस्या हो, आपको इस तरह से लहसुन और नारियल के तेल का पेस्ट लेकर स्किन पर अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने लहसुन लगाया तो आपको एक हल्की सी जलन महसूस होगी, पर आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोराइसिस या फंगल इन्फेक्शन में थोड़ी सी जलन होना स्वाभाविक होती है। इसको लगाने के बाद जलन होती है तो आप थोड़ी देर ठंडी हवा में बैठ जाइए और 1 से 2 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि जलन आपकी शांत होने लगी है। अगर उसके बाद भी आपकी जलन शांत नहीं होती है, जलन लगातार हो रही है, तो आप इसको फटाफट से वॉश कर लीजिए। आप ये समझिए कि ये जो लहसुन है ये आपकी स्किन से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप नीम वाली रेमेडी ट्राई करिएगा। लहसुन वाली रेमेडी वही लोग ट्राई करेंगे जिनको लहसुन से कोई इन्फेक्शन नहीं है या उनकी स्किन पे बहुत देर तक जलन नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से पेस्ट बनाकर आप फ्रिज में रखिए और दिन भर में 2 से 3 बार आपको इसका इस्तेमाल करना है। 2 से 3 बार में ही आपको इसके इफेक्टिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। फंगल इन्फेक्शन से बहुत अच्छे से दोस्तों लहसुन लड़ता है। स्किन पे जो फंगस हो जाते हैं, जिस तरह का एक कवक जम जाता है, उससे लहसुन जो है हमारी रक्षा करता है, हमारी स्किन की रक्षा करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये रेमेडी आप ट्राई करिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी आज की थर्ड रेमेडी की तरफ। जो हमारी थर्ड रेमेडी है वो भी नीम की पत्तियों से ही है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए, नीम की पत्तियों का सिंपल सा पेस्ट चाहिए। इस पेस्ट को पीसते समय आप हल्के से पानी का यूज कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, बहुत ही थोड़ा सा नीम का पेस्ट लेकर जहां पर भी आपको स्किन में प्रॉब्लम हो रही है उस जगह पर आपको इसको अप्लाई करना है, या फिर नीम की पत्तियों का पानी भी आप अपने स्किन पर लगा सकते हैं। यानी कि नीम की पत्तियों को उबालकर जो पानी होता है उसको भी आप अपने स्किन पर लगा सकते हैं, या फिर उस पानी से आप नहा भी सकते हैं। नहाते समय भी आप नीम की पत्तियों का पानी यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बहुत इफेक्टिव हैं। इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट लेकर आपको जो है अपने स्किन पर लगा लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद से 1 घंटे बाद आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं इस तरह से सिंपल नीम की पत्तियों से भी। तो दोस्तों आपको तीनों में से जो भी रेमेडी पसंद आई हो उसको ट्राई जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।